गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो के अंदर हम जर्मन का ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट। हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज नॉमिनेटिव केस इन जर्मन। जो जर्मन है उसके अंदर नॉमिनेटिव केस होता क्या है, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। नॉमिनेटिव केस को जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर एक सेंटेंस बनता है तो एक सेंटेंस को बनने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने बोला दास इज आइन ऑटो मीन्स दिस इज़ अ कार, तो क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? हाँ दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला इश गे है मीन्स आई गो। अगर मैं ऐसा बोलूँ आई गो टू द पार्क या फिर बोलूँ इश गे है यानी आई गो, तो इनमें क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है लेकिन मीनिंग जो है दोनों पूरा दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और साथ में एक वर्ब चाहिए होता है। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, जैसा कि हमने इंग्लिश में पढ़ा। और प्रोनाउन के अंदर ही शी इट ये सारी चीज़ें आती है, ऐसे नाम जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हो। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि ये नॉमिनेटिव केस होता क्या है और ये सेंटेंस में हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो जब भी एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर हम हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं। हमारा जो नॉमिनेटिव केस है वो हमेशा दो सवालों के आंसर देता है, एक तो वेयर मतलब हु और दूसरा वास मीन्स व्हाट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दास इज थाइन बुक, तो हमें ये क्या आंसर दे रहा है कि व्हाट वास व्हाट इज वास इज दास, ये क्या है? दास इज थाइन बुक। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है दिस इज पेटर, तो ये जो है किसका आंसर दे रहा है? वेयर इज दास मीन्स हु इज दिस। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि नॉमिनेटिव केस जो है हमेशा वेयर और वास का आंसर करता है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ब की जो हमेशा नॉमिनेटिव केस लेते हैं अगर वो सेंटेंस में आए हो। जैसे जाइन वर्ब है, अगर जाइन की कोई सी भी फॉर्म सेंटेंस में आई है तो हमेशा वो नॉमिनेटिव केस लेगा। नेक्स्ट है ब्लाइब्ड, ये ब्लाइबन की फॉर्म है। नेक्स्ट है व्यार्डन मीन्स टू बिकम, हाइजन मीन्स टू बी कॉल्ड, अश्नाइनन मीन्स टू सीम मतलब कि दिखना। तो ये सारे वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ब जो है सेंटेंस में आए मतलब वहाँ नॉमिनेटिव केस यूज़ होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके सारे कंजुगेशंस आप सब याद कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले ये तो जब भी हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉजेसिव आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे वहाँ भी यूज़ होगा। नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, उसमें भी ये यूज़ होता है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आर्टिकल्स को कवर करेंगे, बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो पॉजेसिव आर्टिकल या जो भी इनके टॉपिक्स हैं उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बेस्टिम्ड आर्टिकल की। बेस्टिम्ड आर्टिकल जो है, जैसे हम इंग्लिश के अंदर डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं द, सेम काम जो है जर्मन के अंदर ये बेस्टिम्ड आर्टिकल करता है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन से जेंडर के लिए कौन सा यूज़ होता है। अगर हम मैनलिश की बात करें, मैनलिश मतलब होता है मेल, मेल के लिए यूज़ करते हैं देयर। वाइफलिश मीन्स फीमेल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दी। जेशलिश मीन्स न्यूट्रल हो गया यानी जो भी थिंग्स से रिलेटेड, उसके लिए यूज़ करते हैं दास। और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दी। पे एक बात याद रखनी है कि अगर हम जेशलिस दास यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है नॉन लिविंग थिंग ही हो। जैसे जर्मन में होता है दास मेडशन, मेडशन मतलब क्या है? गर्ल। तो गर्ल जो है वो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें जो भी वर्ड्स हम याद करते हैं उसके साथ हमें इनके आर्टिकल्स याद करने हैं। और अगर आपको आर्टिकल को याद करने की ट्रिक जाननी है तो उस पर एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका। नेक्स्ट हमारा अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारा ए और एन होता है, सिमिलरली जर्मन के अंदर अनबेस्टिम्ड आर्टिकल होता है। मेल के लिए हम यूज़ करते हैं आइन, सिमिलरली जो हमारा न्यूट्रल है यानी जेशलिश उसके अंदर भी हम आइन यूज़ करते हैं। और फीमेल की बात करें वाइबलिश तो उसके अंदर हमारा आइनन होता है। और प्लूरल की बात करें तो उसके अंदर हम ब्लैक छोड़ देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया दास जिंद आयर, आयर मीन्स एग्स होता है, तो मैंने यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लगाया। आई कि एग हमारा उसका कुछ नाउन होता है लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन में आए तो हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं भरना अनबेस्टिम्ड के प्लूरल केस में।
नेक्स्ट हमारा निगेशन आर्टिकल है. निगेशन आर्टिकल मतलब नेगेटिव आर्टिकल. अगर हमें सेंटेंस में नॉट का सेंस देना हो तो एक तो हम निस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, उसके अलावा दूसरा हम काइंड वर्ड यूज़ करते हैं. तो काइंड के अब हम केसेस देख लेते हैं. अगर मेल केस हो यानी मैन लिस्ट तो उसके अंदर हम काइंड लगाते हैं. सिमिलरली दास वाला केस हो तो उसमें काइंड, जब हमारा फीमेल आ जाए तो काइना, और जब प्लूरल आए तो काइने. यानी हमारा इसमें फीमेल और प्लूरल सेम है, और मैन और देश लिस्ट यानी कि दास और देयर वाला केस सेम है. तो ये जो है इसमें याद करने में इतने ड्रामे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है याद करने में भी. ना याद रखना कि मोस्टली ये जो मैंने सारे बताए इसके अंदर मेल और दास वाला जो केस है उनके अंदर सेम वर सेम आर्टिकल यूज़ हो रहा है, और बाकी जो है हमारा फीमेल और प्लूरल जो है उसके अंदर सेम यूज़ होता है. बस हमारा जो अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है उसमें प्लूरल हम खाली छोड़ देते हैं, बाकी सेम है. सोच रहे होगे कि ये सब जो सिखा दिया उसका यूज़ कैसे करना है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी. तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. चीयर्स. बाय.